आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन क्या है दैट इफ थ्री और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाइ ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड ठीक है तो हमें क्या कि सपोज हमारे पास थ्री या थ्री से ज्यादा पॉइंट्स हैं ठीक है और वो एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं ठीक है तो सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये हमारे पॉइंट्स हैं ए सी डी ठीक है ये हमारे पॉइंट्स हैं ए बी सी डी और ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ठीक है और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर यहाँ पे लाई ना करें तो सपोज लाई ना करें मतलब कि ए बी सी डी इस तरह ठीक है किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन पे ये सारे पॉइंट्स लाइन ना करें तो इसे इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे तो अगर ये अगर ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते तो हम इन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट ठीक है मतलब एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स लेकिन जबकि अब ये एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे तो हम इन्हें कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक लाइन पे लाई नहीं करते नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ओके तो ऑप्शंस में हमारा जो आंसर होगा वो वो होगा सी पार्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ठीक है और बाकी ऑप्शन भी देख लेते एक बार तो पहले जो पहला हमारे पास ऑप्शन है वो कनकरेंट पॉइंट्स कनकरेंट पॉइंट्स मतलब एक ही पॉइंट पे सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ये ए ये बी ये सी एक ही पॉइंट पे सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ठीक है लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन ठीक है सेकंड ऑप्शन है कि कोलिनियर है तो अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे तो ये कोलिनियर नहीं हो सकते